जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके घर में, उनके परिवार में, उनके आस पड़ोस में खुशियां और सफलता दें। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है और आपका आशीर्वाद और प्यार मुझ पर और हमारे चैनल पर बना रहे। बात करते हैं 12 अगस्त 2020 क्या कहते हैं सितारे राशिफल की। यह जानकारी चंद्र राशि व नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से, फिर जानेंगे राशिफल, कुछ विशेष और फिर कुछ उपाय और अन्य छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें। सूर्योदय होगा 5:52 AM पर, सूर्यास्त होगा 6:58 PM पर। तिथि है कृष्ण पक्ष अष्टमी, वार है बुधवार, नक्षत्र है कृतिका, योग है वृद्धि, चंद्र राशि मेष 7:35 सुबह लगभग और उसके बाद वृषभ। राहु काल रहेगा 12:25 PM से लेकर 2:03 PM तक और पूरे दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का आज उत्सव है, आज दिन है, तो ऐसे शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण की उपासना करना अत्यधिक लाभकारी होता है। आज अगर आपका भी जन्मदिन है, मेरी जन्मदिन है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण की कृपा आप पर विशेष रूप से बरसे, ईश्वर से प्रार्थना है। आज के विशेष में हम कुछ बातें जानते हैं जो हमारे लिए फायदे की हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महान बड़ा पर्व है। आज आपकी राशि कोई भी, आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है, वो महामंत्र है, ओम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जितना जाप कर सकते हैं उतना जाप करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। अगर एक मंत्र और बताता हूं जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो आप लोगों ने याद भी होगा कई लोगों को, इस मंत्र का स्मरण करना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र एक बार फिर से पढ़ते हैं, पढ़ के ही मन आनंदित हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान कृष्ण का स्मरण करिए, ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, या ये जो मंत्र मैंने अभी आपके समक्ष आपको बताया सुनाया इसका जाप करिए। भगवान को पीले पुष्प में इत्र लगाकर अर्पण करें। माखन दूध से बनी हुई चीजें भगवान को अर्पण करें, हाथ से अर्पण करें, जुबान पे कृष्ण का नाम हो, हृदय में कृष्ण के प्रेम की भावना बह रही हो, प्रेम की भक्ति हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण आपके जीवन में ऐसी रासलीला रचाएंगे कि आनंद आ जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी। कोई बहुत बड़ी पूजा करके, अनुष्ठान करके, सिर्फ उससे ही भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसका महत्व अपनी जगह है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो ये नहीं कर सकता है, वो इतना ही कर ले, इन दो मंत्रों का जाप कर ले, भगवान को पीले पुष्प में इत्र लगाकर चढ़ा दे, माखन मिश्री का भोग लगा दे और जुबान पे कृष्ण नाम हो, हृदय में कृष्ण की भक्ति हो,
आंखों में कृष्ण के लिए प्यार हो, तो बड़ी से बड़ी जो अनुष्ठान है उसको भी छोड़कर कृष्ण आपके पास आएंगे। कृष्ण क्या कहते हैं, मैं मंदिरों में नहीं बसता हूं, मैं वहां बसता हूं जहां पे मेरा भक्त मुझे प्रेम से याद करता है, जहां पे मेरा भक्त ताली बजा बजा कर नाच नाच कर मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, जहां पे आदमी बेसुध हो जाता है, उसे होश नहीं रहता है, मैं उस भक्तिमय मंडली में जाना ज्यादा पसंद करता हूं। वो चाहे गांव में हो, गली में हो, कूचे में हो, चार लोग हों, दस लोग हों, बीस लोग हों। तो भक्ति करिए, कृष्ण आएंगे। ये मत सोचिए कि जो लोग बहुत बड़े तरीके से भव्य तरीके से अनुष्ठान करते हैं कृष्ण सिर्फ उनके हैं, ना, कृष्ण उनके भी हैं, कृष्ण आपके भी हैं। कई लोग ये, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या भगवान सिर्फ अमीरों का है, ना, भगवान सिर्फ उसका है जिसपे भक्ति है। इस भक्ति को दिखाइए, कृष्ण को अपना बनाइए। अब बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि ये राशिफल ही महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए है, और ये दोबारा बता रहा हूं चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। आइए शुभारंभ करते हैं राशिफल का। आज आप अपने मूड को अच्छा रखें, किसी और की परेशानियों का बोझ खुद पर डालकर खुद को परेशान ना करें। जब मूड खराब होगा तो क्रोध भी आएगा, अब क्रोध आएगा तो काम बिगड़ेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, वाद विवाद होगा, तो इन सब से आपको बचना होगा। क्रोध आज आपके जीवन में जहर घोल सकता है, क्रोध से बचे, क्रोध से दूरी बनाएं। धन खर्च संभल कर करना चाहिए, मेहनत करते जाएं, फल ईश्वर देगा, फल कितना देगा, कितने वक्त के बाद देगा ये ईश्वर पर छोड़ दें। मेहनत में आज आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और यकीन मानिए ईश्वर आपको फल जरूर देगा, बस आप निराश और हताश ना हो। पैसों का लेन देन संभल कर करें, चीजों का लेन देन संभल कर करें, ना किसी से फालतू की चीज लें, ना किसी को फालतू की चीज दें, ना किसी को फालतू बोलें। जब आप किसी से फालतू नहीं बोलेंगे तो सामने वाला भी फालतू नहीं बोलेगा। एक बार को मान लेते हैं कि सामने वाले ने कुछ आपको अपशब्द बोल भी दिए तो आज संयम रखिए, आज दो घूंट पी जाइए। सामने वाले को कुछ बोलने की बजाय जो गुस्सा, जो आपने जहर उगलना है उसको पी जाइए तो ही आपके लिए बेहतर है, वरना लड़ाई झगड़ा घमासान बढ़ सकता है। छोटे भाई बहन से तनाव बढ़ सकता है, किसी को कुछ ना कहें, जो करता है करने दीजिए, आप अपने कर्म सुधारिए। दूसरों को सुधारने के चक्कर में, दूसरों की चीजों को सही करने के चक्कर में आज आप पिस जाएंगे, आज आप परेशान हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ वाद विवाद भी बढ़ सकता है, अपने आप पर काबू रखें। कार्य क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय हो, चाहे पास पड़ोस हो, चाहे दोस्ती यारी हो, व्यर्थ की विवादों से बचे, व्यर्थ की बातों से बचे, व्यर्थ के लोगों के साथ उठे नहीं बैठे नहीं, व्यर्थ का किसी के ऊपर व्यंग ना कसें, व्यर्थ का कुछ भी ना करें, चुपचाप कृष्ण की भक्ति में लीन रहें और जो काम कर रहे हैं उसको करें। बाकी दीन दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, घर के प्रति, परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको ईमानदारी से शांत रहकर पूरी करें। आपके घर का माहौल आपके कारण प्रभावित हो सकता है, आपके कारण घर के सभी सदस्य जो है तनाव या टेंशन में हो सकते हैं, सेहत के प्रति सावधानी रखनी होगी। व्यापार में साझेदारी है तो जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी कोई बात है उसको साझा करें, छुपाए नहीं। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है तो उसको अपने पास ही रखने की कोशिश ना करें, उस प्रॉफिट को मिल बांट कर खाएं। कोई बात है तो वो भी सामने वाले को बताएं, ये ना करें कि पार्टनर के साथ चालाकी कर लें या धोखाधड़ी कर लें तो फिर
गड़बड़ हो सकती है। इसी प्रकार से जो रिश्तों की पार्टनरशिप है, चाहे वो मियाँ बीबी की हो, प्रेमी प्रेमिका की हो, दोस्ती यारी की हो, बॉस की और एम्प्लॉय की हो, उसमें भी आज आपको चालाकी नहीं दिखानी है, बल्कि सत्य का साथ पकड़ते हुए आगे बढ़ना है। जो है सो है, कोई झूठ नहीं बोलना है, अपने किसी झूठ को बोलकर और झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और नहीं बोलने हैं। तो आज ईमानदारी वाला दिन रहेगा, किसी के दिए हुए पैसों पर या किसी दूसरों के पैसों पर ऐश ना करें। आज आप, हो सकता है मित्र मंडली में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो पैसे खूब खर्च करे, आप भी उसमें ऐश करें, खाएं पिएं, ये लें वो लें, कल यही ऐश आपके ऊपर भारी पड़ सकती है जब आपका नंबर आएगा। प्रेम संबंध में टकरार के बाद, वैवाहिक जीवन में मियां बीबी की टकरार के बाद, बॉस और एम्प्लॉय की टकरार के बाद, चाहे वो टकरार छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, प्रेम आएगा। पहले तो लड़ेंगे, फिर बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तेज बुद्धि कूटनीति से योजनाएं बनाकर आगे चले तो दिन आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर चलना है, खर्चे कम करने हैं, गुस्सा नहीं करना है, अपने द्वारा कोई ऐसा काम ना हो जिससे माहौल प्रभावित हो जाए, घर का हो चाहे ऑफिस का हो, लोगों को दिक्कत हो, और चालाकियां ना दिखाएं किसी के भी साथ, किसी को भी कम ना समझें। आप ये ना समझें कि आप ही तुर्रम खां हैं, बाकी सब जीरो हैं। शिव जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करिए, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करिए और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहिए, आज सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कृष्ण आपके जीवन से सभी दुखों का नाश कर देंगे, अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो और सच्चाई है तो। बाकी आपके जीवन में कोई भी और समस्या है, परेशानी है, जो ज्योतिष से जुड़ी हुई है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की विवेचना आप करवा सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।